हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मौत का मामला मुद्दा दोस्तों सियासत के गलियारों में दोस्तों गरमाया रहा और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को दोस्तों दखल देना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। काफ़ी संतुलित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों पूरा का पूरा मामला दोस्तों देखा और जो भी कर्मचारी, जो भी शिक्षक शिक्षणेतर कार्मिकों की दोस्तों डेथ हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, उस पर बहुत ही संतुलित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ दोस्तों सामने आए हैं। और आपका मानना है कि राज्य सरकार की संवेदनाएं प्रत्येक कर्मचारी और उसके परिजनों के साथ हैं। चुनाव ड्यूटी में जिन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रोजगार सेवकों, पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई, वह बहुत ही दुखद है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पुरानी, तब कोरोना नहीं था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों दिया है। चूँकि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का जो भी गाइडलाइंस था वो कोरोना से पहले था और उसका जो इवेल्युएशन है, जो असेसमेंट है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो भी उन्होंने किया दोस्तों ठीक किया। और अब ज़रूरत है नियमों में जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, जो परेशानियां लोग झेल रहे हैं, उसके अनुरूप नियमों में परिवर्तन करने की दोस्तों बहुत ही ज़रूरत है। यही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ दोस्तों कह भी रहे हैं। इस संबंध में नए सिरे से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कंपनसेशन और नौकरी देने का कार्य करती है। वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग से आख्या प्राप्त की जाए। मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से गाइडलाइन संशोधन का अनुरोध करें। ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को एक निश्चित समय सीमा में संक्रमण होने, निधन होने की स्थिति में भी सम्मिलित करने पर विचार हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी और उसके बाद डेथ, एक समय सीमा देखनी होगी कि इलेक्शन ड्यूटी करने के बाद किनकी डेथ हो रही है। और ये ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का एक निश्चित, एक डेफिनेट टाइम में इन्फेक्शन होना और डेथ होना, ये बात जो है, ये जो स्थिति है, इसको शामिल करने की ज़रूरत है। राज्य निर्वाचन आयोग, ये जो भी डेथ हुई हैं इलेक्शन ड्यूटी करने के बाद, तो ये देखा जाए कि कोई कार्मिक ड्यूटी करने गया हुआ था और विद इन ए फ्यू स्पैन ऑफ टाइम ही डाइड। तो जो दोस्तों जिनकी मृत्यु हुई कोविड-19 संक्रमण से और इलेक्शन ड्यूटी, इसमें देखना होगा कि ड्यूटी के कितने समय के बाद उनकी मृत्यु होती है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग सबको सामने आना होगा और ये गाइडलाइंस में चेंज लाना होगा। यूपी सरकार अपने सभी कर्मचारियों का आवश्यक सुविधाएं देने के लिए तत्पर। कर्मचारियों के परिवार को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग से विचार विमर्श कर आवश्यक सूचना देने का अनुरोध किया जाए। सरकारी कर्मियों की कोविड से मृत होने पर विभाग के संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक मदद करने के निर्देश दिए गए। अनुग्रह राशि का भुगतान और मृतक आश्रित को नौकरी को लेकर भी निर्देश जारी। मुख्य सचिव जारी करेंगे अनुग्रह राशि और मृतक आश्रित के सेवा योजन को लेकर भी दोस्तों आदेश जारी हुए हैं। तो दोस्तों, सियासत की गलियारों में ये मुद्दा छाया रहा, गरमाया रहा। आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और ये जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दोस्तों जारी की गई हैं, नियमों में वांछित परिवर्तन हो, नियमों में ऐसा परिवर्तन हो कि जो भी पंचायत चुनाव के दौरान जो भी शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी या सरकारी सेवक, शिक्षा मित्र भाई बहन, अनुदेशक भाई बहन कोविड-19 की गिरफ्त में आए हैं और वाकई किसी परिवार ने अपने भाई बहन, बेटा बेटी, किसी को दोस्तों खोया है, ऐसी स्थिति में घर परिवार में किसी जो आश्रित हों उन्हें नौकरी मिले, उन्हें अनुग्रह धनराशि मिले और काफ़ी हद तक उन नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो नियम हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बने बनाए नियम, उस समय कोरोना नामक वैश्विक महामारी नहीं थी। अब ज़रूरत इस बात की है
कि इन नियमों में परिवर्तन किया जाए और ये देखा जाए कि चुनाव ड्यूटी की कितने समय के बाद डेथ हो रही है, और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की ज़रूरत है, और जो इसके दायरे में आए उनको कंपनसेशन मिले, जॉब मिले। इस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी संवेदनशील हैं और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, बड़ी बात है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। तो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाई अजय पी दुबे नामक चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।